वो बेचारे जेल में, और जो कुछ बचे हुए हैं वो यहां तबाह कर रहे हैं। हमने जब फोन किया, कुछ लोगों को पता चला, व्हाट्सएप पे भेजा, सिर्फ व्हाट्सएप के सुन करके देखो ऐसे ऐसे भक्त हैं। लखनऊ से अरुण श्रीवास्तव देखो वहां धूप में पसीना पोंछ रहे, लखनऊ से अपने दोस्तों के साथ मित्रों को लेकर के चल दिए, सिर्फ इसलिए कि संतों के पीड़ा दूर कैसे करें। आप देखो वहां चश्मा लगाए हुए हैं जजय श्रीवास्तव जी, वहां पे काले चश्मा, ये वही सख्त है जब दाऊद जी का घर नीलाम हुआ था तो सबसे पहले लेने वाले सख्त थे। आज वो संतों के लिए फुटपाथ पे खड़े हैं एक आशा और विश्वास के साथ। वो दिनेश भी बच्चा है, वो भी हमारा प्रदेश का, वो भी आया है, किसी को बुला नहीं, ऐसे ही चल दिए। ऐसा नहीं है, हमारे अंदर, हमारे हिंदुओं में, हमारे सनातनियों में बड़ी ताकत है। सवाल इस बात का है कि हम उस ताकत को एकजुट कैसे करें। 2014 में बड़ी कुछ सपना सजो करके अजय जी जो बोल रहे थे, हम लोगों ने केंद्र में सरकार बनवाई, समर्थन किया। देखो भाई आवाज कम, सरकार बन गई। जब देश को सींचना था खूनों से तो सींचा संतों ने, जब देश को सींचना था खूनों से तो सींचा सनातन धर्मियों हिंदुओं ने, और जब चमन में बहार आई तो कहते हो तेरा कोई काम नहीं। आज एक बार नहीं, तीन तीन बार देश का प्रधानमंत्री ये बोलता है कि जितने गो भक्त है गो रक्षा के नाम पे गो हत्याएं कर रहे हैं, ये अराजक तत्व है। जबकि सच्चाई ये है, अजय जी गो रक्षा का काम करते हैं, स्वामी कल्याण देव जी महाराज गो रक्षा का काम करते हैं, स्वामी चिन्मयानंद जी और पताल बाबा ने गो रक्षा के लिए जीवन लगाया है। वो जानते हैं कि गो रक्षक कोई भी अराजक तत्व नहीं है, बल्कि जितने गो तस्कर है वो सब अराजक तत्व है, वो सब अपराधी है। तेजाब लेकर के चलते हैं गाड़ियों में और कोई गो रक्षक आता उसको फेंक देते। अब तो जुल्म की इतनी इंतहा हो गई, आप कल्पना नहीं कर सकते हो कि गो रक्षक किस तरह पूरे देश में मारे जा रहे हैं। जहां भी गो हत्यारे गो तस्करी को जा रहे हैं, गो रक्षकों को, चूंकि प्रधानमंत्री का आदेश है, आज अगर जो गो हत्या हो रही है पूरे देश में तो इसका पूरा सरकार को जाएगा। आज हम बताना चाहते हैं